Dear students of class 7th, I am continuing my lecture on your chapter number 14, electric current and its effects. In my last lecture, I told you about the cell, battery, symbols, heating effect of electric current I have discussed, and also the heating element which is used in the iron-like objects. Now I am explaining you about the electric fuse. Electric fuse क्या चीज़ होती है and how is it used in the circuit and what is its importance. Electric fuse क्या है, कैसे circuit में लगता है, क्या इसकी importance है. The electric fuse work on the principle of heating effect of electric current. अब heating effect of electric current में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है कि whenever electric current is passed through a circuit, सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इन टू हीट. ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज़ नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी मेरा इसी प्रिंसिपल पे काम करता है. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है हमारा एक सेफ्टी डिवाइस है टू प्रिवेंट द डैमेज टू द इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू इट. तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ आपका एक सेफ्टी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर एक्सेसिव करंट पास ऑन हो जाए, एक्सेसिव करंट मतलब जरूरत से ज़्यादा करंट पास ऑन हो जाए, तो वो उसे डैमेज होने से बचाता है. देर इज ए मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट. देखो हर सर्किट की एक सर्टन लिमिट होती है जितना करंट उसमें से पास ऑन हो सकता है, मैक्सिमम करंट. इफ बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड द सेफ लिमिट, द वायर इन द फ्यूज गेट मेल्ट्स एंड ब्रेक ऑफ. अब अगर बाय चांस किसी वजह से करंट जो है वो उस सेफ लिमिट को क्रॉस कर जाए, एक्सीड कर जाए, बढ़ जाए, तो वो वायर के अंदर जो फ्यूज है वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक ऑफ हो जाएगा, जिससे करंट उस सर्किट में आना बंद हो जाएगा. ठीक है, जिससे हमारा सर्किट, हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एंड वी आर ऑल्सो सेफ. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज? इलेक्ट्रिक फ्यूज वो सेफ्टी डिवाइस है जब किसी सर्किट में से करंट जो है वो एक सर्टन लिमिट को एक्सीड करता है. ठीक है, एक सर्टन लिमिट को एक्सीड करता है तो वो फ्यूज की वायर जो होती है वो मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और को बचा लेती है, सर्किट को बचा लेती है, एंड वी ऑल्सो गेट सेफ, और हम भी सेफ हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द फ्यूज रेटिंग इज 5 एम्पियर, देन ए करंट ग्रेटर देन 5 एम्पियर विल ब्लो द फ्यूज. द सर्किट इज ब्रोकन एंड द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग थ्रू इट. फ्यूजेज ऑफ डिफरेंट काइंड आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज. द फिगर शोज फ्यूजेज यूज इन आर हाउसेज आर जनरली यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज. देखो अगर एक फ्यूज़ के ऊपर 5 एम्पियर लिखा है, 5 एम्पियर लिखा है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि इस सर्किट में 5 एम्पियर से ज़्यादा का करंट फ्लो नहीं हो सकता. अगर सर्किट में 5 एम्पियर से ज़्यादा का करंट फ्लो कर रहा है तो फ्यूज़ की वायर मेल्ट हो जाएगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उससे जुड़े हुए जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं आपके, उस सर्किट में जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जुड़े हुए हैं वो 5 एम्पियर से ज़्यादा का करंट की नीड नहीं रखते, तो इसीलिए उसमें 5 एम्पियर का ही फ्यूज़ लगाया जाएगा. अगर हमारी करंट की वैल्यू 5 एम्पियर से एक्सीड कर जाती है तो फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगी और सर्किट को ब्रेक कर देगी. व्हाट आर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर? These days, miniature circuit breakers, that is MCBs, are increasingly being used in place of the fuses. अब आजकल हम फ्यूज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आजकल हम यूज़ कर रहे हैं MCB का, जिसे हम बोलते हैं miniature circuit breaker. ये भी बिल्कुल उसी तरह से ही काम करते हैं. ठीक है, These are switches which are automatically turn off when the current in a circuit exceeds the safe limit. You turn them on and the circuit is once again completed. Look the ISI mark on the MCBs also. देखो जो पहले स्लाइड की फोटो में फ्यूज दिखाया हुआ है तो उसमें एक वायर होती है, जो वायर मेल्ट हो जाती है जब एक करंट जो है वो एक सर्टन लिमिट को एक्सीड करता है. तो अगर 15 एम्पियर वाला फ्यूज है तो उस हिसाब से वायर बनाई जाती थी,
ठीक है, जो 15 एम्पियर करंट को एक्सीड करने पर ही मेल्ट होती थी, और 5 एम्पियर वाला है तो 5 एम्पियर वाला उस हिसाब से बनाई जाती थी वायर, बनाई लगाई जाती थी कि भाई करंट जो है वो 5 एम्पियर को एक्सीड करेगा तभी वो मेल्ट होगी और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो घरों में अप्लायंसेस यूज होते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट वैल्यू, मतलब अलग अलग करंट लेते हैं वो, कोई ज़्यादा करंट लेता है, कोई कम करंट लेता है, उस हिसाब से सर्किट बनाए जाते हैं जब मकान बनता है तो। ठीक है, तो जैसे अब आपका वॉशिंग मशीन हो गया तो ज़्यादा पावर लेगा ना ऑटोमेटिकली, आपकी मिक्सी ग्राइंडर है ज़्यादा लेगा, ओवन है ज़्यादा लेगा, आपकी टीवी है कम लेगी, आपकी ट्यूबलाइट है कम लेगी। तो इस तरह से उनको उस हिसाब से सर्किट बनाए जाते हैं और उस हिसाब से उसमें फ्यूजेस लगे होते थे। लेकिन आजकल जो है वो फ्यूज की जगह हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB यूज कर रहे हैं, वो एक प्लग की तरह होते हैं, स्विच की तरह होते हैं। जैसे ही करंट एक सर्टन लिमिट को एक्सीड करता है किसी भी सर्किट में, तो ये स्विच जो होता है वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद जो है आप जाकर उसे फिर से ऑन कर देते हो, टर्न ऑन कर देते हो और आपका काम हो जाता है। तो ये जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है दे आर इजी टू यूज। ठीक है, फ्यूज में क्या होता था, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता था। ठीक है, जो पहले के फ्यूजेस लगते थे उसमें इलेक्ट्रिशियन को रीसेट करने के लिए बुलाना पड़ता था, लेकिन MCB हम खुद ही कर लेते हैं। अब MCB जब भी खरीदे उसके ऊपर ISI मार्क को जरूर चेक कर लेना चाहिए, ISI मार्क वाला ही हमें MCB परचेज करना चाहिए। व्हाट इज द रीजन फॉर एक्सेसिव करंट, अब करंट ज्यादा फ्लो कैसे करता है, क्या कारण है? वन रीजन फॉर एक्सेसिव करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स, दिस मे हैपन इफ द इंसुलेशन ऑन द वायर्स हैज कम ऑफ ड्यू टू वियर एंड टियर, दिस मे कॉज ए शॉर्ट सर्किट। देखो, अब ज्यादा करंट फ्लो कब करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, जब हमारी वायर्स जो होती है ना वो एक दूसरे को जब टच कर जाती है, डायरेक्ट टच कर जाती है, जैसे अब उनके ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक कवरिंग होती है, अगर किसी वजह से वो प्लास्टिक कवरिंग हट जाए, ठीक है, प्लास्टिक कवरिंग जो है वो वियर एंड टियर हो जाए, घिस जाए और हम उसकी तरफ ध्यान ना दें, तो दो वायर जो होंगी जो बिल्कुल नेकेड वायर है जिनके ऊपर वो कवरिंग नहीं है वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो बहुत ही लार्ज करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर, और वो जो लार्ज करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर वो क्या करेगा, शॉर्ट सर्किटिंग कॉज करेगा, मतलब आग लगने के चांसेस रहेंगे बहुत ज्यादा। अनदर रीजन फॉर एक्सेसिव करंट कैन बी कनेक्शन ऑफ मेनी डिवाइसेस टू अ सिंगल सॉकेट। अब कई बार हम क्या करते हैं, एक सिंगल सॉकेट पे बहुत सारी चीजें इकट्ठे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी। भाई जब बहुत सारी आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को एक ही सॉकेट में डाल दिया है तो हर कोई अपना करंट लेगा, अब हर कोई अपना करंट वहां से लेगा तो क्या होगा, वो सारी वायर जो होंगी वो हुटअप हो जाएंगी और एक स्पार्क क्रिएट कर देंगी जिससे क्या होगा, आग लग जाएगी, विच लीड्स टू फायर, एंड दिस इज टर्म्ड एज शॉर्ट सर्किटिंग। इफ द फ्यूज इज नॉट यूज देन ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग रिजल्ट इन फायर। अब अगर हम फ्यूज का इस्तेमाल ना करें, MCB जैसी चीजों का इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से क्या होगा, हमारे घर में आग लग सकती है जो एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती है। टू सेफ आवर सेल्फ, टू सेफ आवर हाउस, टू सेफ आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इट इज नेसेसरी टू यूज MCBs नाउअडेज। अब देखो, आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्लेन हो चुका है, अब मैं आपको बता रही हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक कंसेप्ट हमारा एंड अप हो चुका है। What do you mean by magnetic effect of electric current? Hans Christian Oersted was the first person who noticed the deflection of the compass needle every time the current was passed through the wire. So when the current passed through the wire, it behaves like a magnet. This is known as magnetic effect of electric current. देखो क्या होता है magnetic effect of electric current? कोई भी ऐसी wire जिसमें से current pass on हो रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसी वायर जिसमें से करंट पास ऑन हो रहा है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट टिल द करंट इज पासिंग थ्रू इट, जब तक उसमें से करंट पास ऑन होता रहेगा वो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हैंस क्रिश्चियन जो था ओरेस्टेड वाज द फर्स्ट पर्सन
who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire. उसने क्या किया, उसने क्या देखा कि वायर के पास जिसमें से करंट मैं पास ऑन कर रहा हूँ उसके पास अगर मैं कंपास नीडल रख देता हूँ तो कंपास नीडल मेरी डिफ्लेक्ट कर जाती है. जब मैं करंट, जितनी बार मैं करंट को वायर में से पास ऑन कराता हूँ उतनी बार मेरी कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है. तो उसने जब इस चीज़ को ऑब्जर्व किया तो आगे उसने क्या देखा कि इट मीन्स जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन होता है वो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करती है जो कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट करा देती है. ही नेम्ड दिस इफेक्ट एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब एक्टिविटी के थ्रू और क्लियर होगा. टू ऑब्जर्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हाट आर द मटेरियल रिक्वायर्ड. ए पीस ऑफ कॉपर वायर, इलेक्ट्रिक सेल, मैग्नेटिक नीडल. प्रोसीजर, देखो पहले सर्किट देखो किस तरह से बना हुआ है आपकी स्लाइड की फोटो में. कनेक्ट ए थिन कॉपर वायर टू अ सेल थ्रू अ की. आपने क्या करना है, एक कॉपर वायर लेनी है, उसे एक की में से की यूज़ करनी है उसमें, और साथ में आपने एक सेल यूज़ करना है. वायर की हेल्प से आपने की और सेल को जॉइन अप किया, ठीक है. अब सो दैट द सेक्शन ए बी, सेक्शन ए बी ऑफ द वायर इज इन द नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. प्लेस अ मैग्नेटिक नीडल नियर द वायर ए बी. एक मैग्नेटिक नीडल जो है आपने वायर के पास रख देनी है एंड लेट इट सेटल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. और इसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट कराना है. मतलब जब भी आपकी वैसे तो कोई भी आपने जो है वो इसकी सेटिंग इस तरह से करनी है कि आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है इन द कंपास दैट पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. आपने क्या लिया है, एक कॉपर वायर लिया है, उसकी हेल्प से आपने जो सर्किट बनाया है उसमें आपने सेल और की को ज्वाइन कराया और वायर के पास जो है ये जो अभी ए बी सेट ऑफ वायर है, ए बी सेक्शन ऑफ वायर है, इसके पास आपने एक मैग्नेटिक कंपास नीडल को रखना है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है. अब आगे देखो, प्रेस द की टू पास करंट थ्रू द वायर. अब आपने की को प्रेस करना है ताकि करंट पास ऑन करे वायर में से. रिपीट द एक्सपेरिमेंट बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड सी व्हाट हैपेंस. अब आप एक काम करो, एक बार तो आपने क्या किया, आपने की को प्रेस किया, करंट को पास ऑन कराया तो आपने देखा क्या हुआ. अब आप इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, ठीक है. जब आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो क्या होगा, अब ये चेक करो. रिजल्ट, द नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन. द मैग्नेटिक नीडल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन व्हेन द की इज रिलीज्ड. देखो जब आप करंट को पास ऑन कराओगे तो जो आपकी मैग्नेटिक नीडल जो है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही थी वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी. जैसे ही आप करंट को बंद करोगे, की को फिर से आप सर्किट को ब्रेक कर दोगे, ठीक है. पहले आपने की को प्रेस किया, करंट को पास ऑन कराया, ठीक है, तो आपकी नीडल जो होगी वो डिफ्लेक्ट करेगी. अब आप की को रिलीज कर दो, की को छोड़ दो, करंट को पास ऑन मत कराओ. करंट को पास ऑन नहीं कराओगे तो मैग्नेटिक नीडल दोबारा अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करेगी. इट अगेन कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. अब देखो स्लाइड की फोटो के अंदर, देखो स्लाइड की फोटो के अंदर क्या दिखाया हुआ है. पहले जब आपका सर्किट ब्रेक है, की देखो कैसी पोजीशन में है. सर्किट आपका ब्रेक है तो आपकी नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है, मैग्नेटिक कंपास नीडल. अब आपने की को प्रेस कर दिया, करंट स्टार्ट हो गया फ्लोइंग. अब देखो एरो के थ्रू आपको करंट फ्लो करता हुआ दिखाया हुआ है, ठीक है. करंट फ्लो कर रहा है आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो आप देखो आपकी मैग्नेटिक कंपास की नीडल जो पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही थी अब वो डिफ्लेक्ट हो गई है. इसका मतलब क्या है कि जितनी बार हम करंट पास ऑन कराते हैं उतनी बार मैग्नेटिक कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट करती है. इट मीन्स दिस वायर इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. ये वायर जो है जिसमें से करंट पास ऑन हो रहा है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है. करंट पास ऑन नहीं कराते तो ये मैग्नेट नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास की नीडल सिर्फ तभी डिफ्लेक्ट करती है जब वो
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है। अब जैसे की को प्रेस किया, करंट पास ऑन हो रहा है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है वायर, तो ये जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल है कहाँ गई, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गई। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आते ही इसने अपने आप को डिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, करंट बंद किया, वापस फोर्स ऑफ डायरेक्शन में आ गई क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड बंद हो गया। इट मीन्स ये जो वायर है जिसमें से करंट पास ऑन हो रहा है, इट इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट व्हेन एवर करंट इज पासिंग थ्रू इट। करंट पास ऑन हो रहा है तो ये वायर मैग्नेट है, करंट पास ऑन नहीं हो रहा तो ये वायर मैग्नेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास की नीडल सिर्फ तभी डिफ्लेक्ट करती है जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स ए करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, करंट कैरिंग वायर जो है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और इसी को ही हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी इट इज कंक्लूडेड दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वायर इट लाइक एक्ट लाइक अ मैग्नेट। तो हमने इससे क्या कंक्लूड किया कि जब भी हम किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन करते हैं वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, मतलब वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगी। ए करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड इट इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब इसमें से करंट का पास ऑन होना बंद हो जाएगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगी, ठीक है। तो इट मीन्स ए करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड देन वी सेड दैट देन वी से एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तब हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं और इसी को ही हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जब हमारी एक वायर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, वायर इलेक्ट्रोमैग्नेट कब बनती है, जब इसमें से करंट पास ऑन होता है, जब उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, क्योंकि मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा एंड दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट नाउ योर लेक्चर इज ओवर, यू मस्ट हैव रिटन प्रैक्टिस, prepare your notes and if any problem occur you may write on WhatsApp. Okay, thank you.